नमस्कार, मैं सविता सिंह, कुक विद सभी में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ राज कचौड़ी। ये घर में बड़ी ही आसानी से बनाया जा सकता है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो राज कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक कप मैदा लिया है, इसी में दो पिंच बेकिंग सोडा डाल लिया है और 1/4 कप सूजी लिया है और 2 टेबल स्पून चावल का आटा लिया है। चावल के आटे से थोड़ा ये और क्रिस्प हो जाता है। और 2 टेबल स्पून इसमें मैं ऑयल डालूंगी और 2 पिंच नमक डाल के इसको पूरी के आटे की तरह अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। ये आटा हमारा तैयार हो गया है, तो इसे 10 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे। तो आइए देखते हैं राज कचौड़ी की फिलिंग के लिए क्या क्या हमें चाहिए। तो सबसे पहले तो 2 कप दही, जिसमें मैंने 5 चम्मच चीनी डाला है और 1.5 चम्मच के करीब काला नमक डाल के फेंट लिया। 2 उबले हुए आलू जिनको छोटे टुकड़ों में काट लिया है, छोला चना ओवरनाइट सोक किया और फिर बॉयल करके रख लिया, मूंग की दाल की पकौड़ी जिसको मैंने दही में भिगो दिया है, हरी धनिया की चटनी, इमली की मीठी चटनी, मूंग की दाल को 1 घंटे भिगोया और 10 मिनट के लिए उबाल लिया था, काला नमक, भुना जीरा, लाल मिर्च, धनिया की पत्ती, अनार के दाने और गार्निशिंग के लिए सेब। तो राज कचौड़ी बनाने के लिए मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। ये इतने आटे में लगभग 18 पेड़े बने हैं। तो चलिए अब इसे बेलते हैं। घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, इसे हम तलते हैं राज कचौड़ी को। राज कचौड़ी की फिलिंग शुरू करते हैं। तो लीजिए, तैयार है हमारी राज कचौड़ी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।